मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड यस, बहुत ही प्यारा दिन है। सो यस, दिन की शुरुआत करते हैं घर की सफाई से। तो आज जल्दी है घर में डीप क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ पूरा सफाई अच्छे से हो रही है, क्लीनिंग एंड ऑल, तो इसीलिए। एंड बाकी युवान सो रहा है। युवान आई थिंक टीथिंग की वजह से उसको बुखार आ रहा है, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। क्योंकि जो न्यू मॉम हैं, जिनके बेबीज के दांत आ रहे हैं एंड वो बेचारे बीमार हो जाते हैं, तो वो थोड़े से वरीड हो जाते हैं मॉम्स। सो उनके लिए एक छोटा सा टिप दूंगी मैं। सो इसीलिए, बट यस, देखते रहिए मेरा ब्लॉग। एंड अभी जल्दी से मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। और सो गाइस, ब्रेकफास्ट आ गया है, मैं कर लेती हूँ जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद करेंगे खाने की तैयारी। मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो आई होप आप लोगों को कुछ अलग तरीके की सब्जी सिखा सकूँ, क्योंकि आई नो सब लोग अपने अपने तरीके की सब्जी बनाते हैं। सो देखिए, एंड आपको अगर लगे कि कुछ अलग है तो ज़रूर ट्राई कीजिए घर में बनाने की। सो गाइज, युवान उठ गया है यहाँ पर देखिए, और थोड़ा सा बीमार है मेरा बेबी से। ये कह रहा है कृष्णा जी के गाने चला दो। यहाँ पर कृष्णा जी के भजन चल रहे थे, और सुबह सुबह युवान कृष्णा जी के भजन सुनता है। जय श्री कृष्णा युवान, युवान जय श्री कृष्णा। अभी नहाना धोना हो गया है एंड युवान के अपॉइंटमेंट का भी टाइम हो गया है। सो दीवी जा रहे हैं हमारे साथ में, क्योंकि उनका भी अपॉइंटमेंट सेम टाइम का ही है। और युवान के डॉक्टर से मैंने बात भी कर ली है, उसको एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फीवर है कल से, और रात में भी बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ जाता है, फिर मैं दवाई देती हूँ फिर उतर जाता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है वो टीथिंग फीवर है, जो बच्चों को दांत आते हैं उस टाइम पे फीवर होता है। सो गाइस, दिस इज़ नॉर्मल। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, बच्चों में इस टाइप का फीवर आना नॉर्मल होता है। हाँ, युवान को 101 एंड 102 तक जाता है फीवर रात में, और वो काफ़ी थोड़ा परेशान रहता है एंड दांतों की आवाज़ किट 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 इस टाइप के। तो गाइज, ये सिम्टम्स होते हैं बच्चों के जब टीथिंग फीवर आता है बच्चों को उस टाइम के। अब कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें बच्चे किट 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 करते हैं दांतों की, और बच्चों को लूज मोशंस हो जाते हैं इस टाइम पर। कुछ बच्चों को हाई फीवर हो जाता है, जैसे युवान को होता है। कुछ बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, खाना छोड़ देते हैं, खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम करने लगते हैं बच्चे। तो ये इस टाइम के थोड़ा सा, जब बच्चों को दांत आ रहे होते हैं, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं इस टाइम पर। तो पेरेंट्स प्लीज़ परेशान मत होइएगा, मदर्स एंड फादर्स। तो यस, दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स फॉर बच्चे, एंड इस एज में ये बच्चों के साथ होता ही है। तो प्लीज़ आप लोग, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो आप अपना पीडियाट्रिशियन को दिखाइए जाके। एंड नॉर्मली अगर, जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, बच्चों को फीवर होता है तो पैरासीटामोल ड्रॉप्स आते हैं बच्चों के, तो वो आप दे सकते हैं, या डोलो ड्रॉप्स आते हैं बच्चों के लिए, वो आप दे सकते हैं बच्चों को। एंड वो सब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही बच्चों को कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चों के लिए छोटे से छोटा अमाउंट भी दवाई का बच्चों के लिए हैवी हो सकता है। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ बच्चों को मेडिसिन दी जाती है, और मेडिसिन हैवी होती हैं तो बच्चे कई बार सो जाते हैं, मतलब एकदम दवाई लेने के बाद सो जाएंगे, क्योंकि मेडिसिन ऑब्वियसली हैवी होती हैं बच्चों के लिए। इसलिए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, उसी में ही दवाई दीजिए बच्चों को। सो यस, अब मैं लेके जाऊंगी युवान को डॉक्टर के दिखाने के लिए। और मैंने आप लोगों को बोला था मैं सब्जी बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को, गोभी की मैं नहीं बना पाई, क्योंकि युवान बहुत क्रैंकी हो गया था उस टाइम पे, और मुझे ऑब्वियसली उसको संभालना ज़रूरी था, इसीलिए मैं नहीं बना पाई। बट यस, श्योर मैं या तो रात में आप लोगों को बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी वो। तो ब्लॉग देखते रहिए, एंड अभी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, और युवान रेडी हो चुका है, तो बस चलते हैं डॉक्टर के यहाँ एंड उसको दिखाती हूँ, और देखते हैं क्या रीजंस है। वैसे तो वायरल भी बहुत चल रहा है इस टाइम पे, तो वायरल भी एक केस हो सकता है कि उसको फीवर हो, बट मुझे जहाँ तक लगता है 80% चांसेस उसके टीथिंग फीवर के ही है वो। तो लेट्स सी डॉक्टर क्या बोलती है, एंड आप लोगों को भी बताती हूँ। सो गाइस, वी आर रेडी टू गो, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं।
बस जहाँ से मंगाते हैं ये वहीं का देना भूल जाते हैं। कितने सारे हो रहे हैं हमारी गाड़ी में, तीन चार मेन्यू हो रखे हैं, कर लो। सो गाइस हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ पर, है ना यूवन, और दी आ रहे हैं पीछे पीछे। अच्छा हो रहा है, हाँ बराबर आराम आराम से। बैटर भी फुल हो रहा है, मतलब दो मिनट का रास्ता नहीं है घर से। क्यों हुआ, बंद क्यों नहीं हुआ? हमेशा की छोटे ब्लॉक में हमेशा की तरह हम कायम रखते हुए लिफ्ट में कभी भी प्रेस नहीं करते, खड़े हो जाते हैं। और किसी को दुख नहीं खाना, गुड बॉय। रात को कल मेरा पूरा दिन बीपी लो था, हाँ तो चॉकलेट जो आकाश ने मुझे दी थी, हाँ वो मैंने कॉर्नर में रखी, फिर इसने ट्राई मारा उस चॉकलेट का, उसको टेस्ट किया, कड़वी डार्क चॉकलेट थी ना, डार्क थी। आज सुबह पूरी पूरी चॉकलेट की बार, हाँ ठीक, गोगो बैठ के खा रहा है पागलों की तरह। हाँ उसके अंदर बड़ी क्या है, खा जा बेटा। अच्छा जब आप सो रहे थे उस टाइम पे पूरी खा गया, रात को भी अटेम्प्ट किया उसने कि यार मौका मिले मैंने पकड़ लिया उसको, फिर रात को मैं सोती नहीं चक्कर लगते हैं, खा ही ले यार। मौके पे चौका मार लिया उसने। इतना गुड बॉय कैसे हो सकता है कोई? नहीं खाना, थैंक यू बुई। बताओ क्या चाहिए आपको? जिद्दी बच्चे, व्हाट डू यू वांट? सो गाइस हम लोगों का हो गया है, अभी युवान का भी हो गया, दी का भी हो गया, एंड बारिश हो रही है आई थिंक। बिल्कुल मुंबईया लैंग्वेज बोलने लगी है। सो गाइस बिल्कुल मुंबईया लैंग्वेज बोलने लगी है। सो गाइस मेरा हो गया है, दीदी का भी हो गया है, अरे क्या हो गया है, अपन सबका हो गया है, अपन घर जा रहे हैं। अरे बोल तो सही, इस सो मुंबईया लैंग्वेज शॉर्टकट में अपन का हो गया, खाना हो गया है, नहाना हो गया, चेकअप हो गया है, अपन का हो गया है। जो हमारी आंटी आती काम करने वाली उनसे ज्यादा इंस्पायर हो रही है, करने का नहीं, जाने का नहीं, खाने का नहीं, सामने खड़ी है गाड़ी। चलो फिर मैं आगे बैठती हूँ। ओके बाय बाय, घर पे मिलते हैं। मैं दूसरी गाड़ी में जा रही हूँ। ओके सो गाइस हो गया है हम लोगों का चेकअप, एंड दी भी मजाक ही कर रहे थे, बट हाँ कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं सच में बोलने लगी हूँ मराठी, मुझे भी नहीं पता है, वो फ्लो फ्लो में निकल जाते हैं मेरे मुंह से, पता नहीं अब कहाँ से मैंने सीख लिए। आंटी आती हैं या तो आंटी की लैंग्वेज से इतना इन्फ्लुएंस हो गई हूँ मैं, पता नहीं क्या सीन है। खैर तो दी जा रहे हैं, वो रह रहे हैं, उनका न्यू हाउस है तो वहाँ पे उनका थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो वो उसे देखने गए हैं, एंड हम लोग जा रहे हैं जुहू किसी काम से। सो लेट्स गो। सो गाइज युवान को मैंने डॉक्टर को दिखाया, एंड उसकी डॉक्टर ने बोला है कि ये टीथिंग का और वायरल का दोनों फीवर है उसको, क्योंकि अभी उसको मोलर्स आ रहे हैं इस टाइम पे, इज 12 वन ईयर एंड 2 मंथ्स, सो इसीलिए उसको मोलर्स आ रहे हैं, तो उसका भी उसे पेन और फीवर है जो बॉडी में नॉर्मली होता है बच्चों को टीथिंग के टाइम पे, एंड उसको वायरल हो गया है तो उसकी वजह से कफ एंड कोल्ड भी उसको है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा ज्यादा इसलिए बीमार हो जाता है जब फीवर होती है उसको, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि दांत भी आ रहे हैं और वायरल फीवर भी है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, अभी मौसम ऐसा चल रहा है वायरल का, तो इसलिए बच्चों को वायरल जल्दी हो जाता है, एंड थोड़ा मुझे भी सिम्टम्स है वायरल के, फीवर नहीं आया है अभी तक, पर जुकाम और सर दर्द वाला सिम्टम है मुझे, तो उन्होंने बोला पॉसिबिलिटीज है कि आप ही से उसको आया है। वी लाइक ओके,
सो यस, अभी जाते हैं मेडिसिन लेते हैं युवान की, थोड़ी मेरे पास घर पर है, बाकी कुछ न्यू जो ऐड की हैं वो हम युवान के लिए लेंगे और अभी कर लेते हैं काम अपना पूरा, फिर उसके बाद चलते हैं घर। हम लोग आए हैं यहाँ पर शोरूम पर एसी देखने, क्योंकि हमें गोवा वाले घर पर अभी एसी लगवाने हैं, वहाँ एसी खराब हो गया है जो हमारा था, इसलिए तो हम लेने आए एसी। अरे मैं 15 दिन पहले दूसरा एसी लेके गया था। और युवान यहाँ पर देख रहे हैं फ्रिज, है ना युवान? पापा तो एसी बुक कर रहे हैं तो हम फ्रिज देख लेते हैं। ये देखो नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं। तो ये है सेंसर ऑटो ओपन, यहाँ से हम टच करेंगे एंड ये अपने आप खुल गया। ऐसे ही सेंसर इसमें यहाँ पर है, तो यहाँ से फ्रीजर खुल जाएगा। सो गाइज, हम लोग जा रहे हैं घर एंड सामान हमने ले लिया, एसी बुक हो गए हमारे और खाने पीने का भी हमने थोड़ा बहुत स्टफ ले लिया है और बाकी अब चलते हैं घर। देखिए गजरे वाली आंटी गजरा लेके आई है, बट नो थैंक यू आंटी, नहीं चाहिए गजरा। युवान, युवान गजरा चाहिए युवान को। सो गाइस बस अब घर चलते हैं जल्दी एंड खाएंगे पिएंगे कुछ, बहुत भूख लग रही है मुझे, घर चल के मिलते हैं। हम लोग आ गए हैं घर पर, अब जल्दी से जाके कुछ खाना पीना करते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है मुझे, और युवान को भी खाना खिलाती हूँ, है ना युवान? अब तो भूख लग गई होगी, मुझे भूख नहीं लगती। चलो दादी वेट कर रही होगी।